वेलकम बैक टू माय चैनल सलोनी शर्मा। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और बस आप ऐसे ही खुश रहिए। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो एक ऐसा वीडियो जिसको सभी को फेस करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को सभी को फेस करना पड़ता है। सभी को इन द सेंस ये नहीं है कि हर एक बंदे को फेस करना पड़ता है, लेकिन कुछ है जिनको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो है हमारे बालों को लेके। देखिए हमारे बाल झड़ते भी हैं, खासकर जब मानसून आता है तब तो हमारे बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है हम सबसे पहले इफेक्ट हमारे बालों पे पड़ता है, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है। और हमारे बाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे बाल सफेद होते हैं। आजकल कोई भी एज लिमिट नहीं है कि इस एज के बाद ही हमारे बाल जो है वो सफेद होंगे। आजकल बच्चों को देखो उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि उनके बाल सफेद हो रहे हैं। 30 प्लस का हो, चाहे बिलो 30 हो, चाहे टीन एजर हो, किसी भी एज का हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको की अपनी एज से पहले ही ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसी के ऊपर आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। वो है एक शैम्पू, है वो कलर लेकिन वो शैम्पू की तरह ही काम करेगा। सभी ने उसका नाम बहुत सुना होगा, मैं बता देती हूँ वो कौन सा है। वो प्रोडक्ट है ये BSY नोनी। आप सभी ने इसके बारे में बहुत सुना होगा, मुझे पता है आप सभी ने सुना होगा। अब मैंने इसको यूज किया है, मैं काफी देर से इसको यूज कर रही हूँ। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया सबकी आजकल प्रॉब्लम होती है कि बाल जो है व्हाइट हो जाते हैं, मेरे भी कुछ हैं यहाँ से थोड़े से। तो मैंने इसको यूज किया, ये मुझे अच्छा लगा। तो ये है भी बिल्कुल नेचुरल, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और मैं बता दूंगी इसको यूज कैसे करना है और कितनी देर तक ये टिका रहता है और कितनी देर के बाद हमें इसको यूज करना पड़ता है। तो इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें सबसे जो हमारे बालों को मजबूत बनाता है, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, मैं बता देती हूँ। इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो पड़ा हुआ है वह है नोनी, नोनी का जूस पड़ा हुआ है। और जो नोनी का जूस है वो हमारे बालों को बहुत ही स्ट्रेंथ देता है, बहुत ही सिल्की बनाता है, हमारे बालों को फ्रीजी नहीं होने देता है, हमारे बालों को झड़ने से बचाता है। मैंने अभी वही यूज किया है आज, ये देखिए मेरे बाल। और इसको यूज करने के बाद मैंने कोई भी शैम्पू, कोई भी सीरम, कोई भी कंडीशनर कुछ भी यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ यही यूज किया था। ये मैंने अपने बालों में लगा लिया था और उसके बाद मैंने अपने बालों को वॉश कर दिया था। उसके बाद मैंने अभी कुछ भी यूज नहीं किया, मैंने इसे यूज नहीं किया। अगर आप चाहते हैं यूज करना तो आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाना था इसलिए मैंने बताना था कि मैंने ये लगाने के बाद कुछ भी यूज नहीं किया और तब भी मेरे बाल देखिए कैसे शाइन कर रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं लग रहा हुआ कि मैंने अपने बालों में शैम्पू नहीं किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फ्रिजी भी बिल्कुल नहीं है। ये कौन कौन सी प्रॉब्लम को ठीक करता है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है ये डैंड्रफ को भी ठीक करता है। अगर आपके बाल सफेद हैं ये आपके बालों को बिल्कुल काला कर देगा, नेचुरल कर देगा। देखिए नहीं लग रहा है कि मैंने कलर किया हुआ या कुछ ऐसा किया हुआ है, नेचुरल ब्लैक करेगा, बालों से डैंड्रफ निकालेगा। अगर आपके बाल झड़ते हैं ये उसको भी रोकेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके बालों को हार्श करेगा, ये बिल्कुल माइल्ड है। तो ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है जो हमारे बालों को ये खराब करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे बाल बिल्कुल भी नेचुरल लग रहे हैं, नहीं लग रहा है कि मैंने बालों में कुछ लगाया। लेकिन मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरे सफेद बाल हैं, मेरे जो बाल हैं यहाँ से हैं, ये देखिए अब यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। सॉरी मैं आपको पहले वो वीडियो में कैप्चर करना भूल गई थी कि यहाँ से दिख रहे थे, उसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया है उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरे बाल हैं यहाँ से, तो मैंने उसके बाद ये लगाया और उसके बाद मैंने शैम्पू कर दिया। लेकिन मैं अपने नीचे वाले बालों में नहीं लगाती, मेरे यहाँ से सफेद हैं, इतनी सी जगह पे कुछ कुछ है, मैं वहां पे ही लगाती हूँ। नीचे मैंने आज तक कभी नहीं लगाया और देखिए मेरे बाल बिल्कुल इसकी तरह ही मैच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल भी अलग से बाल आपके नहीं दिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके बालों की लेंथ है तो आप अपने पूरे बालों में पूरी लेंथ तक लगाइए, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे ही लगाती हूँ। तो आप भी वैसा कर सकते हैं, अगर ये आपकी चॉइस है। अगर आप पूरी लेंथ में लगाना चाहते हैं पूरी लेंथ में लगा सकते हैं। जिनके बाल यहां से लेके यहां तक व्हाइट है वो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो इसका प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो प्राइस है वो भी मैं आपको बता देती, इसका प्राइस है 1200। ये देखिए ये इसका प्राइस है 1200, दिख रहा होगा आपको
1200 का प्राइस है और इसमें सैशे जो होते हैं वो 24 सैशे होते हैं और 12 ml के होते हैं. 24 सैशे 12 ml, वन जो सैशे है वो 12 ml का होता है और इसके अंदर 24 सैशे होते हैं. तो 24 सैशे के साथ इसमें 24 ग्लव्स भी मिलते हैं इस तरह से. तो सैशे भी मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से अंदर ये सैशे होता है. मेरे बालों में दो ही लगते हैं. तो आफ्टर बस आपने इसको क्या करना है, इसको यहां से कट करना है. एक अब मैंने लगा लिया हुआ तो मैं आपको नहीं ऐसे बता सकती, इसको आपने यहां से कट करना है, एक बाउल में डालना है और उसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेना. मिक्स करने की वैसे जरूरत तो नहीं होती है, आप उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए या सीधा अपने पाम पे लीजिए. पाम पे लेके आप सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं एक बाउल लेती हूँ, बाउल के अंदर ये दो सैशे डालती हूँ, उसको मिक्स कर लेती हूँ और ये जो ग्लव्स हैं ये पहन के मैं अपने बालों पे लगा लेती हूँ. तो इसको लगाने के बाद सिर्फ मैं 10 से 15 मिनट ही रखती हूँ तो बाल बिल्कुल काले हो जाते हैं और सैशे भी, ये देखिए एक, ये एक है, इसके अंदर ऑब्वियस है दो ही पड़े होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. और जब आपने लगाना है आप इसको अपने बालों पे लगा के छोड़ दे 10-15 मिनट के लिए, लेकिन आप ग्लव्स पहन ले क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो ये शैम्पू है ये काला है, ब्लैक कलर में है, तो आपके नेल्स ब्लैक हो जाते हैं. मेरे हुए थे इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, नेल्स ब्लैक हो जाते हैं. और हाँ, अगर आपकी स्किन पे कहीं लगता है ना उसकी टेंशन नहीं है, वो इजिली वॉश हो जाता है, वो अगर पानी से आप धोएंगे वो वॉश हो जाएगा. लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ आपने इसको लगाना कैसे है. आप पता क्या करना, आपने क्या करना है, आप कोई भी कलर लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, कलर लगाते हैं, या जैसे मैंने आपको ये रिकमेंड किया है आप ये लगाए, आप कैसे लगाए, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस पे आप वैसलीन लगा लीजिए. पूरे फेस पे आप वैसलीन लगा लीजिए, अपने कानों पे लगा लीजिए, अपने नेल्स जो है यहाँ पे लगा लीजिए, क्योंकि हमने लगाना हाथों के साथ ही है. बेशक हमने ग्लव्स पहने होते हैं, क्या पता कि ग्लव्स फट जाए उसके बाद अंदर चला जाए. मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं हमेशा दो ग्लव्स पहन के ही, एक हाथ में मैं दो पहनती हूँ क्योंकि ये थोड़ा पतला है, मैं एक पहन के नहीं करती हूँ, एक हाथ में दो पहनती हूँ मैं, मतलब कि मैं दो पेयर यूज करती हूँ ग्लव्स के अपने हाथों पे, दो इस साइड दो इस साइड. तब भी वो फट गया था तो मेरे नेल्स काले हो गए थे, तभी मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ. अब नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ही करूंगी. मैंने क्या क्या किया करना है, आपने आपने वैसलीन लेनी है, वैसलीन अपने चेहरे पे लगा लीजिए, कानों पे लगा लीजिए और नेल्स जो है आप उनके ऊपर लगा लीजिए. उसके बाद आप ये शैम्पू अपने हेड पे अप्लाई करिए. उससे क्या होगा, अगर आपकी स्किन पे लगता भी, आपके नेल्स पे भी लगता है, वो इजिली, बहुत इजिली से वो निकल जाएगा. जब आप हाथ धोएंगे या अपना फेस वॉश करेंगे बहुत इजिली से वो निकल जाएगा, आपको इसकी टेंशन नहीं रहेगी कि ये मार्क रह गया है, कलर हमारे फेस पे लग गया है, हेयर पे लग गया है, कहीं लग गया है, वो टेंशन आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. बस आपने इसी तरह से इसको अप्लाई करना है और इसको लगाने के बाद आपने 10-15 मिनट का, आप चाहें तो आधा घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन इसका जो असर है आपको 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर मिल जाएगा. आपके जो बाल व्हाइट हैं वो ग्रे वो ब्लैक में टर्न हो जाएंगे और बिल्कुल नेचुरल तरीके से हो जाएंगे. नहीं कोई भी जज कर सकता कि आपने अपने बालों में कलर लगाया है, ऐसा कुछ लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है. और हाँ, मैं आपको बता दूं ये एक ही कलर में आता है, ये सिर्फ ब्लैक कलर में आता है, इसका कोई बर्गंडी कलर, कोई और कलर नहीं है, सिर्फ ब्लैक आता है, इसका नेचुरल कलर है. मेरे बाल ब्लैक है, नेचुरली ब्लैक है, तो मैं यूज करती हूँ. अगर आप कलर कर, आपने अपने बालों में कलर किया हुआ है तो अगर आप ये लगाओगे आपका वो कलर, समझ गए आप, आपका वो कलर ब्लैक हो जाएगा. तो आप इसको ना ट्राई करें अगर आपने अपने बालों को कलर किया हो. अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तब आप कर सकते हैं. अगर आपने इतना कॉस्टली कलर करवाया है अपने बालों को तो प्लीज इसको मत ट्राई करना, क्योंकि आपके बाल जो है वो काले हो जाएंगे, आपका कलर जो भी करवाया होगा वो हटके ब्लैक में टर्न हो जाएगा. तो होगा नेचुरल तरीके से बट टर्न हो जाएगा. तो जो लोग इसको लेना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली ले सकते हैं. हाँ, मैंने आपको बताया था इसकी कॉस्ट है 1200. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, ऑनलाइन आपको ये सस्ता मिल जाएगा. ये कम से कम आपको 800 मतलब कि 900 तक आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा ये ऑनलाइन. मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लूंगी. और हाँ, मैं आपको ये बात बता दूं, ये बिल्कुल भी आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा. मैं काफी देर से लगा रही हूँ, मैंने आपको बोला था इसके अंदर 24 सैशे होते हैं, तो देख लीजिए इसके अंदर 24 सैशे होते हैं. लेकिन देखिए इसमें सिर्फ 4 बच्चे हुए हैं, मैंने सारे यूज कर लिए क्योंकि मैंने काफी देर से इसको ट्राई कर रही थी कि कहीं बाल झड़ना ना शुरू हो जाए. एक ही बार लगाने से नहीं पता चलता है. मैं काफी देर से इसको ट्राई कर रही थी,
थी, मेरे बालों में कोई ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा मेरे बालों में थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ी है, मेरे बाल लंबे भी हुए हैं ये लगाने के बाद। हाँ, आपको इसकी जरूरत तो वैसे कई बार क्या होता है ये महीना भी निकाल देता है, और कई बार क्या होता है आफ्टर 15 डेज इसको फिर से अप्लाई करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये नेचुरल है और आपको पता है नेचुरल चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता ही काम करती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक बार लगाओगे तो ये नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। एक ही बार लगाओगे आपके बाल व्हाइट से ब्लैक हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मे बी आपने फर्स्ट टाइम लगाया, उसके बाद आपको 15 डेज के बाद फिर से लगाना पड़े, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया होगा। मैं उस चीज के बारे में बात कर रही हूँ कि वो कलर में भी आपके बालों से निकल जाए। और अगर आप इसको कंटिन्यूसली लगाते जाते हैं ना, आपको कोई और चीज की, कोई और शैम्पू की, कोई और कलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, ये बिल्कुल सेफ है, 100% ये सेफ है, कोई केमिकल नहीं है, कोई बालों को डैमेज नहीं करेगा, उल्टा आपके बालों में कभी डैंड्रफ नहीं होगा। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपके बाल थोड़े से निकले क्योंकि फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करेंगे आपके बहुत ही बालों में फर्क दिखेगा, आपके अपने बालों में फर्क दिखेगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब लगाया था मेरे भी बाल थोड़े से झड़े थे, लेकिन उसके बाद जब मैंने लगाना कंटिन्यूसली शुरू किया आफ्टर 15 डेज 1 मंथ, तो मेरे बालों में बहुत फर्क पड़ा। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा, आप शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और आप इसको अगर ट्राई करते हैं तो आपके बालों पे इस पे कैसा रिजल्ट मिला। सो फ्रेंड्स, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो, बाय।